अगर वो चुनाव जीत रहा होता है ऐसे हम संदेह नहीं अपनाता जैसे ताना सा हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का सामान्य चुनाव है, भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित शोषित लोगों के अधिकार भी छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान की जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का सामान्य चुनाव ताना सा हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव। मैसेज इतना कहना चाह रहा हूँ, गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के से भी आज जो बातचीत हुई आपसे से जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं उनके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जहाँ हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा। ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हम संदेह नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री।